लोग जा रहे हैं फाइनली योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए। और यही रोड है जो जहाँ से मतलब योगी आदित्यनाथ हम लोग को दिखेंगे और हम लोग इंजॉय लेंगे और उनका भाषण सुनेंगे। तो भाई साहब ये नशा है, नशा योगी जी का नशा है। हाँ हम भी नशे में हैं। तो गाइस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि यहाँ से ये रास्ता है बहुत ही गजब का लग रहा है भाई साहब। इस गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा है, कितना ठंडक है यहाँ पे भाई साहब, क्या ही बोलूँ यार, मज़ा ही आ गया भाई, वाह। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितने बस खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये है पावर योगी जी का, योगी जी का पावर, बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। ये देख सकते हैं आप लोग बैरिकेडिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा गाड़ी है, ये सब हमारा ही है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं, बट हम घमंड नहीं किए कभी। तो गाइस यहाँ से हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा गाड़ी, उसके बाद हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। यात्रा हो जा रहा है हम लोग का, तो जो कि हमारे पास तीन आदमी है, देख सकते हैं सब, ये सब नशेड़ी है कह रहे हैं योगी बाबा के असली नशेड़ी। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, नशेड़ी बंदे हैं, हम लोग जरूर देखने जाएंगे। सब कहते हैं दुकान बंद करके, सब दुकान बंद करके हम लोग आए हैं। नशा है नशा, जैसे नशा होता है शराब में वैसे नशा होता है योगी बाबा में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो गाइस 3 किलोमीटर यहाँ से दौड़ना पड़ेगा हम लोग। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम लोग पैदल ही पैदल यात्रा। यहाँ पे पानी पीने का भी व्यवस्था है, वो भी फ्री में, ऐसा नहीं कि पैसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग को तो प्यास लग चुका है और हम लोग पीने जा रहे हैं पानी। लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे फाइनली ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और प्रस्थान करेंगे और यहीं से अपना शुभ आरंभ करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और सलमान भाई क्या हाल है? तो गाइस आप लोग को बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, उनका हेलीपैड दिखा रहे हैं और उनकी ग्राउंडेड जो जहाँ पे आएंगे ये दिखा रहे हैं हम लोग को। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी पुलिस लगे हुए हैं, घाम में कितने मेहनत कर रहे हैं देख लीजिए, कितने टाइम से लगे हुए हैं ये आप लोग देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे खड़े हैं बेचारे। इतनी कड़कती धूप में 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी है तब भी ये लोग देख लीजिए कितना मेहनत से अपनी काम को अंजाम दे रहे हैं। देख सकते हैं हेलीपैड है वहाँ पे, जहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं जो उधर हेलीपैड है पूरा, और ये देख सकते हैं यहीं पर आएंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सैल्यूट है इन लोग को, देख लीजिए किस तरह मेहनत कर रहे हैं, इतने कड़कती धूप में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है जितना ये लोग कर रहे हैं। Yeah.
पिंजरे च शेर टके रहा बिग स्टेप राने चकने स्टेप नी तेरे शहर बिच खाली करनी कलप नी जीप खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले ते मैं तो लेना नी मैं डाकू नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज इत्थे हेलीकॉप्टर आ चुका है फाइनली हमारे योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं यहाँ पे प्रस्थान करने वाले हैं अभी थोड़ा सा राउंड अप करेंगे लैंडिंग करने वाले हैं हेलीकॉप्टर आ चुके हैं माननीय योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं आप भीड़ देखिए संग्रहालय का लोकार्पण अपने कर्तव्यों से रिबन काट कर करेंगे और साथ ही साथ जाति थी उस प्रदर्शन का अवलोकन भी करेंगे और मैं चला जाए कहाँ से चला जाएगा लोग उधर से आवत हैं तो गाइज उधर से लोग आ रहे हैं हम लोग उधर ही जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा किधर से जाएं तो गाइज जैसा कि राउंड अप कर रहे हैं ये लोग कुछ लोग इधर आ रहे हैं और जा रहे हैं ये देख सकते हैं आप लोग पंडाल को देख लीजिए कितने अच्छे सजावट की गई है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे काला ड्रेस कोई भी पहना हुआ अंदर नहीं जा सकते हैं तो हम लोग यार बाहर ही रह जाएंगे लग रहा है देख नहीं पाएंगे बहुत दूर हैं हम लोग वैसे भीड़ आप लोग देख सकते हैं बलराम
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान ग्रहण करते हुए हमारा मानी जनता एक बार पर मान एक बार पुनः नमस्कार सत सत प्रणाम करती हुई राखी नदी नदी तट पर अपने पुरातत्व ऐतिहासिक देखे गए।
और हम यहाँ से ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। उसके पहले बता दे, जिसको भी जिसको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक और कमेंट और शेयर कर दे, और भूलना मत मेरे दोस्त, मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा आगे बढ़ाने का आपका जिम्मेदारी।